नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जारी करेंगे बाघों की गणना के आंकड़े। कांग्रेस का ऐलान, देश भर में चलाएंगे जन आंदोलन, राहुल गांधी का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का लेंगे साथ। पीएम मोदी पर बरसे केजरीवाल, बोले आजाद भारत के इतिहास में कोई 12वीं पास और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है। कर्नाटक की मुंबई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को किया खत्म, वोकालिगा और लियागत समुदाय में जोड़ा गया कोटा। महात्मा गांधी को लेकर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले केवल हाई स्कूल पास थे महात्मा गांधी, नहीं थी लॉ की डिग्री। वाराणसी में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गरीब पिछड़े वर्ग का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर जाए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी का तंज, भाजपा महानगर अध्यक्ष बोले देश का कानून और संविधान सबसे ऊपर, फैसला स्वागत योग्य है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अखिलेश का बयान, बोले विपक्ष को नगण्य मुद्दों मुकदमे में फंसाकर अपना भविष्य देख रही बीजेपी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला, कहा अदालत के फैसले पर सवाल उठाने वाले दिमाग का करा इलाज। सपा नेता आजम, कहा कि पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे को आयकर का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का मामला। जाकिर नाइक ओमान पहुंचा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा उसे भारत लाने की कोशिश जारी, 7 साल से मलेशिया में है जाकिर। अफगानिस्तान में तालिबान के एक कैद में 175 अमेरिकी नागरिक परिवार के लोगों को पब्लिक में बोलने से मनाही है। ईरान के बाद अब सीरिया से रिश्ते बनाएगी सऊदी, ईद के बाद खुल सकती है एम्बेसी, अरब लीग में असद की वापसी मुमकिन। कनाडा में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी, खालिस्तानी का झंडा लहराकर अपमानजनक बातें लिखी। कमला हैरिस से नाराज बाइडेन, रिपोर्ट में दावा चैलेंजिंग असाइनमेंट्स में बचती है हैरिस, 2024 में ट्रंप के खिलाफ खुद ही उतरेंगे प्रेसिडेंट। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का बयान, बोले WPL और IPL की क्वालिटी क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी। WPL फाइनल में मुंबई 26 को दिल्ली से मुकाबला, इजाबेल वांग ने ली टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक, नेटली सीवर का दोहरा प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर की चोट पर बोले वेंकटेश अय्यर, कहा केकेआर में भी सभी है कैपेबल, कप्तानी कोई भी कर सकता है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खेला क्रिकेट, सैम करन ने पीएम को बॉलिंग की, इंग्लैंड के T20 कैप्टन बटलर ने जर्सी गिफ्ट की है। इंपैक्ट प्लेयर कोहली का रिकी पोंटी का बड़ा बयान, इस नियम से ऑलराउंडर की भूमिका हो जाएगी कम। अल्लू अर्जुन ने एयरपोर्ट पर पेपराजी को क्या इग्नोर, वीडियो देख यूजर्स बोले अभी तक अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले क्या। KL राहुल को पहचान नहीं पाई राखी सावंत, मीडिया ने याद दिलाया तब जाकर पहचाना, बोली कार की खिड़की नीचे करते तो बधाई देती। नई मुसीबत में फंसे दिख रहे सलमान खान, जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी मामले में आएगा फैसला। एक्स वाइफ से सुलह करना चाहते हैं नवाजुद्दीन, बच्चों से मिलने दिया तो केस वापस लेंगे, लॉयर बोला बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है।
शूटिंग पर वापस लौटे अमिताभ बच्चन बोले काम के शेड्यूल पूरे हो गए हैं और चार्ट फिर से भरना शुरू हो गया है मोई की खुशी के लिए। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।